नमस्कार दर्शकों, कैसे हैं आप लोग? सब अच्छा? आज का जो टॉपिक मैंने जो चूज किया है वो है कि अगर आपको जिम या कोई एक्सरसाइज स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या चीज पहले से प्लान करना है या डिसाइड करना है, ये आपको देखना है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो इसका मतलब आप जिम जाने का प्लान कर रहे हो। तो अगर आप जयपुर में हैं या जिनके रिलेटिव जयपुर में हैं उन तक आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। और हमारी जिम जिसका एड्रेस है प्लॉट नंबर A73 निवारू रोड झोटवाड़ा जयपुर, गूगल पे आप लोकेशन सर्च कर सकते हैं, स्वे फिटनेस सेंटर। आप बिल्कुल आइए, आपको अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी न्यूट्रिशन गाइड और आपका ओवरऑल हेल्थ डेवलपमेंट में हम आपकी हेल्प करेंगे। अभी अपने टॉपिक पे आते हैं कि अगर आपको जिम में जाना है तो उससे पहले आपको क्या चीज क्लियर होनी चाहिए, और वो टॉप 10 चीजें मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वो टॉप 10 चीजें जो आप जिम में जाने से पहले आपको ध्यान में रखना है, आपके माइंड में वो चीज क्लियर होना चाहिए, तभी आप अपने गोल को अचीव कर पाओगे। और जो भी आपका गोल है, फिटनेस गोल है, मसल बिल्डिंग है या बॉडी बिल्डिंग है, तो वो आप उसमें ये सब चीजें उसमें हेल्प करेंगे। ठीक है, फर्स्ट चीज आपको जिम में जाने से पहले जो ध्यान रखना है वो है डिसाइड योर ओन गोल। आप क्या करना है ये पहले से आपके माइंड सेट में क्लियर होना चाहिए। उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा होगा जब भी आप जाओगे, अगर ट्रेनर रहेगा या जो भी आपका इंस्ट्रक्टर है वो आपको बेहतर गाइड कर पाएगा। आपको बताना पड़ेगा कि मेरा मोटिव है बॉडी बिल्डिंग, मेरा मोटिव है फिजिकल फिटनेस, या फिर हो सकता है आप एथलीट हो। अगर आप स्पोर्ट्स कोई खेल रहे हो उसका इफेक्ट क्या होगा कि वो उसी के हिसाब से आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम प्लान करेगा, सेकंड आपका डाइट प्लान भी वो उसी के अकॉर्डिंग करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, डिसाइड योर गोल फर्स्ट एंड अप्रोच योर जिम। नंबर सेकंड थिंग, बिलीव इन योर सेल्फ। आपको खुद पे विश्वास रखना है। सिंपल, आपको भाई मेरे को बड़ा मसल बनाना है, मेरे को बिगर दिखना है, आपको वो फील अंदर से होनी चाहिए यू कैन, कि मैं कर सकता हूं। अगर ये चीज आप में नहीं है आप नहीं कर पाओगे। इसके लिए अपने आप पे बिलीव करें, और जैसे भी आप हैं आप सोचें मैं बेहतरीन हूं, तो इससे क्या होगा आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप जो भी आपका गोल है उसको अचीव करने में ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अभी जो थर्ड चीज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो है नेवर गो एम्प्टी स्टोमेक। भूखे पेट जिम नहीं जाना है। आप कभी भी जिम जाएंगे भूखे पेट नहीं जाना है। इवन आप मॉर्निंग जाओ इवनिंग जाओ, जो भी आपका टाइमिंग हो, आपको भूखे पेट नहीं जाना है। आपको जाने से पहले कार्ब्स का कोई भी आइटम, जैसे आपने फ्रूट लिया अगर मॉर्निंग जा रहे हो तो एप्पल लिया, या फिर शाम को आप जा रहे हो तो कोई भी एक कार्ब्स का सोर्स आपको लेना है, भूखे पेट आपको बिल्कुल नहीं जाना है। इसका इफेक्ट क्या होगा? आप जो भी वर्कआउट परफॉर्म करोगे वो बेहतर कर पाओगे। और इसका फंडा बिल्कुल क्लियर है, दो टाइप की एनर्जी ड्यूरिंग वर्कआउट आपकी बॉडी को मिलती है। एक होता है इंस्टेंट एनर्जी, एक होता है जो एनर्जी आपकी बॉडी में ऑलरेडी फैट के रूप में स्टोर है वो। तो जो शुरू का आपका 20 to 25 मिनट का जो वर्कआउट होता है उसके जो आपका एनर्जी लेवल होता है वो आता है आपके कार्ब्स के सोर्स से, जो आपने जिम में आने से 45 मिनट से 1 आवर, यानी 1 आवर पहले जो आपने खाया है वो बहुत मायने रखता है। और उसी के अकॉर्डिंग आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम का परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। इसके लिए भूखे पेट आपको बिल्कुल नहीं जाना है।
सेकंड, जो सेकंड मैंने अभी बताया कि जो एनर्जी का सोर्स वो होता है आपकी बॉडी में ऑलरेडी जो स्टोर फैट होता है, वो बॉडी क्या करता है, जब आपका ये इंस्टेंट एनर्जी सोर्स अगर आपका खत्म होता है तो उसके बाद बॉडी फैट को एनर्जी सोर्स के रूप में काम में लेता है और उससे आपको एनर्जी मिलता है। बट ओवरऑल भूखे पेट आपको जिम नहीं जाना है। नंबर फोर, आप जब भी जिम में जाएंगे आपका यूनिफॉर्म, ऐसा नहीं कि आप जींस में चले गए, आपका शर्ट में गए, ऐसा नहीं, आपका कंफर्टेबल टी शर्ट होना चाहिए, शॉर्ट्स आप ले सकते हैं बट कंफर्टेबल होना चाहिए, लोअर या ट्राउजर आप ले सकते हैं, स्पोर्ट्स वेयर फुटवेयर आपके होने चाहिए, आपका ग्रिप रहेगा, आपका इंजरी से बचेंगे और आप अच्छे से वर्कआउट परफॉर्म कर सकते हैं। टी शर्ट भी पहनेंगे, टाइट नहीं पहनना है, लूज होना चाहिए जिससे आपके जो मूवमेंट्स हैं आप अपने बेहतर तरीके से उसको परफॉर्म कर पाओगे। नंबर फाइव, आपको वाटर बोतल कैरी करना है ड्यूरिंग वर्कआउट। आप क्या करोगे कि जब भी आपका एक सेट कंप्लीट हुआ आप एक सिप दो सिप आपको लेना है और उससे होगा क्या, आपका बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होगा, आप अपना वर्कआउट अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। और अभी जो सेकंड, जो नॉर्मल पानी आप ले सकते हो, उसमें अगर किसी को फैट बर्निंग करना है या जिसको अपना वेट रिड्यूस करना है तो वो लेमन ले सकता है, उसमें हनी ऐड कर सकता है, वो डाइट का एक अलग शेड्यूल है, उसको मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में। बट आपको डिहाइड्रेट होने से बचने के लिए एक वाटर बॉटल मस्ट कैरी करना है। नंबर सिक्स, अपने आप को इंजरी से बचाना है। वो कैसे, आप जिम में जाएंगे, हो सकता है आप किसी कोई आपसे बहुत अच्छा स्ट्रेंथ हो किसी का, तो वो क्या वेट वर्कआउट कर रहा है उससे आपको कुछ लेना नहीं है, अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग आपको वेट लेना है और उसी अकॉर्डिंग आपको परफॉर्म करना है। अगर जिम में आप इंजरी से बचोगे आपका बॉडी अपने आप बनेगा, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने आप को इंजरी से बचाओ। नेक्स्ट, अगर आप जिम जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ध्यान रखें जो भी आपका ट्रेनर है उसकी बात आपको माननी है। आपको जिम जाएंगे, ये नया एक्टिविटी रहेगा आपकी बॉडी के लिए, तो मसल पेन होगा, बट ध्यान रखें आपका जॉइंट पेन नहीं होना चाहिए। अगर जॉइंट पेन हो रहा है तो इसका मतलब या तो कोई ना कोई फॉर्म इनकरेक्ट कर रहे हो या ओवरवेट ले रहे हो, समथिंग मिसिंग। नेक्स्ट थिंग जो आपको ध्यान रखना है वो है कि ड्यूरिंग वर्कआउट या आप कोई वर्कआउट परफॉर्म कर रहे हो, आप अनकंफर्टेबल फील हो रहे हो, आपको चक्कर आ रहा है या ऐसा कुछ है, इमीडिएट स्टॉप योर वर्कआउट। आपको तुरंत अपना वर्कआउट रोक देना है और जो भी अवेलेबल आपका ट्रेनर होगा या उसको बताना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां तक जब तक आपका ट्रेनर या कोई गाइड नहीं मिले आपको, आपको फ्लोर पे लेट जाना है। हो सकता है फिट आप एक वॉल पे फिट अप कर लो और नीचे आप लेट जाओ और फिर इमीडिएट आप हेल्प लो उनसे, जब तक आप नॉर्मल कंडीशन में नहीं हो आप वर्कआउट स्टार्ट नहीं करना है। आप जिम में जा रहे हो या अभी जिम जाने का आपने सोचा है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको जो ध्यान रखना है वो है आपको सडन डाइट प्लान चेंज नहीं करना है और ना ही सडन बहुत ज्यादा एक्सरसाइज आपको करना है। तो आप अपना ट्रेनर का प्रॉपर गाइडेंस लें, आपका बॉडी जिस चीज के लिए यूज टू नहीं है उसमें आपको बॉडी को अगर उसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है तो एक स्लो मेथड रहता है। ऐसा नहीं आप जिम में आज गए ओवरवेट, आप लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप इंजर्ड हो जाओगे या फिर आप दो दिन जाओगे तीसरे दिन जिम ही नहीं जा पाओगे। इसके लिए एक स्लो प्रोसेस के साथ में, और ना ऐसा नहीं कि आज आप जिम स्टार्ट किया कल से
पूरा डाइट चेंज, बहुत ज्यादा प्रोटीन कार्ब्स कुछ नहीं। आपको जो डाइट प्लान भी जो आपको लेना है, सडन डाइट प्लान बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आपका डाइट प्लान स्लो मूवमेंट के साथ में चेंज होगा और एक्सरसाइज भी स्लो मूवमेंट के साथ इंक्रीज होगा।